नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म भारत की आजादी के बाद हुआ था। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले के वडनगर ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम हीराबेन मोदी और पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद था। नरेंद्र मोदी अपने 6 भाई बहनों में तीसरे नंबर पे आते हैं। नरेंद्र मोदी ने स्कूली शिक्षा वडनगर से ही प्राप्त किया था और राजनीति में रुचि रखने वाले नरेंद्र मोदी ने गुजरात विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान से मास्टर की डिग्री हासिल किया था। नरेंद्र मोदी के पिता बहुत ही पिछड़े और गरीब परिवार से संबंधित थे और अपने परिवार की जीविका के लिए वे चाय की दुकान से ही अपने परिवार का गुजारा करते थे। नरेंद्र मोदी अपनी पढ़ाई के समय के बाद खाली समय में पिताजी के दुकान में अपना हाथ बटाते थे और वे अपने दुकान और रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे, जिस कारण से नरेंद्र मोदी के चाय वाले के रूप में भारतीय राजनीति में इस टॉपिक पे काफी चर्चा होती है। नरेंद्र मोदी को बचपन से ही नाटक, भाषण और विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने का शौक था, जिस कारण से उन्हें मौका मिलने पर वो कभी चूकते नहीं थे। नरेंद्र मोदी एक कुशल वक्ता हैं, जिसकी झलक हमें नरेंद्र मोदी के स्कूल के दिनों से ही दिखने को मिलती थी। जब वे कहीं भाषण देते थे, लोग उन पर मंत्रमुग्ध हो जाते थे और खूब तालियां बजाते थे, जिस कारण से नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और बढ़ती गई। नरेंद्र मोदी बचपन से ही निडर स्वभाव के व्यक्ति हैं। एक बार बचपन में वे अपने गाँव के पास के तालाब से जिंदा मगरमच्छ पकड़ लाए थे, जिसके बाद माँ के कहने पर वे उस मगरमच्छ को उसी तालाब में छोड़ आए थे। नरेंद्र मोदी की शादी महज 13 वर्ष की आयु में हो गई थी, जिनका विवाह जसोदा बेन मोदी से हुआ था। नरेंद्र मोदी जीवन बंधन के बजाय देशभक्ति और धार्मिक प्रवृत्ति में ज्यादा रुचि रखते थे, जिसके कारण एक तरह से उनका विवाह का नाता शादी के महज 2 से 4 साल के अंदर ही टूट गया था। नरेंद्र मोदी बचपन के दिनों में 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वे गुजरने वाली ट्रेनों में भारतीय सैनिकों को खूब आनंद के साथ चाय पिलाते थे। नरेंद्र मोदी जी के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, जिसकी झलक स्कूल के दिनों के भाषणों में ही दिख जाती थी। नरेंद्र मोदी जी अध्यात्म की ज्ञान प्राप्ति के लिए महज 17 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़कर हिमालय पर्वत की तरफ चले गए थे। हिमालय में जाने के बाद उनके परिवार वालों ने उन्हें सन्यासी मान लिया था, लेकिन नरेंद्र मोदी अनेक साधु संतों के संपर्क में रहने के बाद 2 वर्ष बाद फिर से वे वापस घर लौट आए थे। नरेंद्र मोदी तपस्या से लौटने के बाद उनका मन घर के कार्यों में नहीं लगा, जिस कारण से वे सक्रिय रूप से राष्ट्र स्वयं सेवक संघ से जुड़ गए थे। नरेंद्र मोदी के बचपन में उनके माता पिता उन्हें नरिया या नरू कहकर बुलाते थे। नरेंद्र मोदी बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनके ऊपर माँ का आचरण का अच्छा खासा प्रभाव था, जिस कारण से वे बचपन से सन्यासी बनना चाहते थे। महज 8 वर्ष की आयु में नरेंद्र मोदी दिवाली के दिन बाल स्वयं सेवक के रूप में RSS से जुड़ गए थे। नरेंद्र मोदी पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं। वे किसी भी सिगरेट, तंबाकू या अन्य किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करते हैं। नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद के विचारों से अत्यधिक प्रभावित थे, इसीलिए आध्यात्मिक प्रवास के दौरान वे स्वामी विवेकानंद के कई मठों में गए थे। मोदी जी किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते हैं। वे शाखा में भर्ती होने के बाद भी साफ सफाई जैसे अनेक छोटे कार्य भी करते थे। नरेंद्र मोदी जब संघ में कार्यरत थे, तब वे अपने कपड़े खुद धोते थे, इसीलिए वे कुर्ते की बाँह आधा करवा लेते थे, जिससे कुर्ते को धोने में थोड़ा और कम समय लगे। नरेंद्र मोदी जी खाली समय लेखन और कविता दोनों का कार्य करते हैं। इसके अलावा ऐसे कई तथ्य हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है, लेकिन वो मैं आपको कभी जरूर बताऊंगा। अभी फिलहाल इतना ही। मिलता हूँ आपसे एक शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।